हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 24 नवंबर और टाइम हो रहा है 11। तो आज मैं बना रही थी मटर पनीर, वो भी मैं अपनी स्टाइल में बनाती हूँ। तो मैं आप लोग को बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया है, जो भी किया है मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो मैंने ऑयल लिया, ऑयल गर्म होने के बाद उसमें जीरा और तेज पत्ता डाल दिया है और बड़ी बड़ी प्याज काट ली है मतलब, और उसमें दालचीनी ली है, जीरा लिया है, थोड़ा सा लौंग, एक दो लौंग ली है, एक इलायची ली है बड़ी वाली और एक छोटी वाली इलायची, और लिया है मैंने काजू, लिया है प्याज, लिया है लहसुन अदरक, इन सबको बघार कर टमाटर डाल दिया है। थोड़ा सा पकाने के बाद इसे पीस लूँगी। जैसे कि मैं आप लोग को कई बार बताई हूँ, कई बार इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से सब्ज़ी बनाओ, टाइम भी नहीं लगता है। और एक्चुअली क्यों बना रही हूँ मटर पनीर, पनीर तो आप सब जानते हैं दीदी को बहुत पसंद है, हमारे यहाँ दीदी बहुत पसंद करती हैं। तो आप लोग सोचते होंगे पनीर की सब्ज़ी ही बनाती हैं, बट हमारे यहाँ वीक में एक दो बार बन ही जाता है पनीर। तो आज एक्चुअली रहा था भैया चंदिया से कार्ड देने मिनी की शादी का, तो बस इन लोग आ गए हैं, बुआ के यहाँ पहले रात में ही आ गया था भैया, रात में 2 बजे, क्योंकि ससुराल गया था अपने मनेन्द्रगढ़ की हैं भाभी, तो वहाँ देने गया था रात में, तो आ गया था रात में 2 बजे, तो वो बुआ के यहाँ रुक गया था और अभी मेरे यहाँ आया है मंडला में ही। तो हम लोग दोनों हैं तो हो जाता है, कभी नाश्ता उधर हो गया तो कभी वहाँ खाना हो गया। तो बुआ के यहाँ से नाश्ता होकर, मतलब नाश्ता करके आए हैं और यहाँ पर खाना होने वाला है, तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और ये टीका भी होगा, हमारे यहाँ टीका भी होता है। एक्चुअली मैंने खाना का वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है ऐसे, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो इसलिए नहीं बना पाया मैंने। और ये मम्मी कर रहे हैं टीका, हमारे यहाँ जैसे कि भाई लोग आते हैं तो टीका होता है, तो मम्मी ये टीका कर रही है भैया का। इन लोग जा रहे हैं वापस अब। और ये बेटू है चाचा का बेटा, मिनी का भाई, तो ये भी आया हुआ था भैया, बेटू और गौरव भी यहीं पे ही था, बुआ का बेटा, वो खाकर खाना खाकर चला गया था क्योंकि उसको ऑफिस का काम है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो इसलिए उसे जाना पड़ गया था, जल्दी छुट्टी लेकर आया था थोड़े दिन टाइम के लिए, तो वो खाकर चला गया था वापस। अब इन लोग ही निकल रहे हैं, इन लोग बस निकलने वाले हैं चंदिया के लिए, तो पापा और ये छोड़ने ही जा रहे थे इन लोग को। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 24 नवंबर और अभी टाइम हुआ है 8:30। और एक्चुअली आज आया था भैया कार्ड देने मिनी की शादी में, ज़्यादा टाइम नहीं है, 24 तारीख है, समझ लो 1 तारीख की शादी है, तो 6 दिन बचे हैं आज से। और कैसे हैं आप लोग बताइएगा कमेंट के थ्रू। और बस भैया कार्ड देकर चला गया है, सो मुझे भी जाना था बट मैं नहीं गई, मैं बुआ के साथ जाऊंगी, बुआ शादी के 1-2 दिन पहले ही जाएगी, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और ये शादी वाले दिन आएंगे वहीं पर ही डायरेक्ट जबलपुर। और ठंड काफ़ी पड़ने लगी है, देखो मैंने कार्डिगन पहनी हुई है और ये वाला कुर्ता पहना है, देखो मैंने जो दीदी ने दिया था मुझे भाई दूज पर, वो आज वो वाला कुर्ता मैंने पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लूज है तो मैंने अल्ट्रा किया है बट फिर भी थोड़ा सा लूज हो रहा है, फिर से एक बार मैं सिलाई डाल लूंगी। और सब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है शादी में, तो मैं भी तैयारी कर लूँ अपनी, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है मेरी, मतलब पहनने क्या वाली हूँ ये तो फाइनल है, बट यार इतना तो होता है, चूड़ियाँ होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, इतनी सारी स्वेटर लगने वाली हैं, ठंड की शादी में कपड़े भी बहुत लगते हैं, तो पता नहीं अब कैसे क्या कर पाती हूँ। तो अभी मैं कुछ नहीं की हूँ, करूँगी अभी 1-2 दिन बाद ही कर लूँगी वैसे तो। और मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है, उस टाइम पे करवाया था मैंने मिनी के इंगेजमेंट के टाइम पर, उसके बाद से हुई नहीं है, तो अब मैं जाऊँगी कोई दिन पार्लर तो करवा के आऊँगी, और वैक्स वगैरह के लिए बुला लूँगी, देखती हूँ घर पर ही तो सही रहेगा, वो जो दीदी आती हैं घर पर कर देती हैं, तो उनको बुला लूँगी। और यार कोरोना फिर से फैल रहा है, अभी कुछ टाइम के लिए दब गया था बट फिर से अभी फिर से ही कोरोना का ज़्यादा सुनाई दे रहा है, देखो अभी क्या होता है मिनी की शादी में, कैसे क्या होता है हमें खुद भी नहीं पता। और बस मैं भी तैयारी कर लूँ अपनी, थोड़ी बहुत करती जाऊँगी धीरे धीरे तो हो पाएगी, वरना फिर एकदम से बहुत सारा हो जाएगा करने के लिए, तो मैं सोच रही थी थोड़ा थोड़ा करती चलती हूँ।
सो गाइस, कुछ टाइम के लिए फ्री थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर साइकिल चला लेती हूँ। रूम पर ही रखी है तो ये रहता है कि जब भी मन हुआ चला लिया, मतलब जब भी मन नहीं हुआ ऐसे नहीं, मतलब सुबह साइकिल चला लेती हूँ और शाम को वॉक पर जाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ठंड लगती है बाहर जाने में, इसलिए शाम को ही वॉक करती हूँ। और अभी तो एक्चुअली शाम को ही चला रही हूँ साइकिल, सुबह नहीं चला पाई थी क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी खाने आने की रहती है ना, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए बस अभी टाइम मिला थोड़ी सी तो मैंने बोला चलो चला लेती हूँ साइकिल। डिलीट करोगे? डिलीट कर दूंगा क्या? मैं यहाँ पे अपने अपीयरेंस का मुझे वो नहीं होता, लाइट भी बंद होगी तब तो वीडियो नहीं होगी। तुम कहाँ जा रहे? ला तो नहीं से मेरे लिए कुछ नहीं लाना, टोपा ओपा कुछ दे दूंगा। मेरे को नहीं पता कहाँ। अरे यार कैसी जाने वाली है तुमको, अच्छे जरा बोल। ये तो तुम्हारा कम से कम काटे मच्छर। डेड हो गया। और बस अभी हो गया खाना का टाइम, 9 बज गई थी तो बस मैं गरम गरम रोटी सेक रही थी। आज सुबह पूड़ी बन गई थी तो अभी रात में हम लोग रोटी बना लेते, क्योंकि एक टाइम यार पूड़ी खा लो ना तो दोनों टाइम नहीं खिलती है पूड़ी, तो आज भैया आया था तो इसलिए पूड़ी बना लिए थे सुबह पूरी। तो अभी ये रोटी गरम गरम मैं रोटी सेक रही थी और सब लोग खा रहे थे खाना। सो गाइज, मैं बना रही थी मोटी वाली छोटी छोटी रोटी, इसलिए खरी खरी है क्योंकि गरम गरम रोटी खरी ही अच्छी लगती है, यहाँ पर थोड़ी कड़क रोटी पसंद करते हैं खरी, इसलिए ऐसी मैं बना रही थी। तो आप लोग सोचोगे इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। खाना से फ्री हो गई हूँ और कल मुझे पहनना है ये साड़ी। मैं सोच रही थी बहुत दिन से साड़ी नहीं पहनी हूँ और कल एकादशी भी है तो व्रत रहूँगी, इसलिए मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ। तो ये साड़ी रखी हुई थी, प्रेस कर लेती हूँ। इसमें कॉटन की साड़ी है, चंदिया से मिली थी शादी में, तो ये मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि धुलने के बाद काफ़ी सिकुड़न सी आ गई थी, सिलवटी से आ गई थी, प्रेस नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं खुद से ही कर लेती हूँ प्रेस। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।